पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन किन्हीं भी दो वेक्टर्स को ऐड करता है, आर वेक्टर देता है। पैरेललोग्राम लॉ भी किन्हीं भी दो वेक्टर को ऐड करके रिजल्टेंट वेक्टर देगा। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए रूल नंबर वन, जिन दो वेक्टर्स को आपको ऐड करना है वो एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम होने चाहिए, रूल नंबर वन। क्योंकि अब हमने ट्राइंगल नहीं बनाना, अब हमने पैरेललोग्राम बनाना है, तो पैरेललोग्राम बनाना है तो एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। एडजेसेंट साइड तो ये भी हो सकती है, वो नहीं होना चाहिए, ये नहीं चाहिए मुझे, मुझे यही चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। तो रूल नंबर वन, जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है वो इस तरीके से लिखें और इनके बीच में सपोज एंगल कितना गिवन है, थीटा। पैरेललोग्राम बनाएं, ए वेक्टर के पैरेलल ए वेक्टर बनाएं, बी वेक्टर के पैरेलल बी वेक्टर बनाएं, बन गया। और ये जो डायगोनल जहां से ये वेक्टर स्टार्ट हो रहे थे वहां, देखो डायगोनल दो होते हैं, ये भी डायगोनल है ये भी डायगोनल है, लेकिन आपने वो डायगोनल लेना है जहां से दो वेक्टर स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो डायगोनल होगा ये वाला वो रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट, इसके अंदर डायगोनल रिप्रेजेंट करता है रिजल्टेंट वेक्टर। तो जैसे ये देखो, ये ए वेक्टर बी वेक्टर एंगल थीटा, ए वेक्टर के पैरेलल ए वेक्टर, बी के पैरेलल बी वेक्टर, ये रहा डायगोनल आर वेक्टर, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है। वैसे एक बात बताऊं, जरा ध्यान से देखना इधर, अगर तुम ऊपर के दो साइड्स उड़ा दो, नीचे का डायग्राम बिल्कुल ट्राइंगल लॉ ही तो है। चेक करो नीचे का डायग्राम, ए वेक्टर बी वेक्टर आर वेक्टर सेम तो चल रहा है, तो ट्राइंगल पैरेललोग्राम में कोई फर्क है ही नहीं, वो दो साइड्स एक्स्ट्रा लगा लो पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो मतलब अंदर कुछ भी नहीं है, सेम चीज़ है, कंस्ट्रक्शन सेम है। इवन अगर कोई पूछे आर वेक्टर प्रूव करो पेपर में, टैन बीटा प्रूव करो पेपर में, ये एंगल बीटा है, तो भाई प्रूफ सेम ट्राइंगल लॉ का लिख देना। तो लिख दिया मैंने सेम एज डन इन ट्राइंगल लॉ। कई बड़े समझदार होते हैं, स्टेट एंड प्रूफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, डायग्राम बनाएंगे, प्रूफ लिखने की बारी आएगी तो सेम लिख देंगे कि सेम एज डन इन ट्राइंगल लॉ। आपको कुछ नहीं मिलेगा भाई, आपको ये सारा फिर से लिखना है, ये मैथमेटिकल पोर्शन, आर में आर की वैल्यू लिखनी है, आर की डायरेक्शन लिखनी है, क्योंकि मैंने नेमिंग भी सेम कर रखी है ट्राइंगल लॉ वाली। आप चेक कर सकते हो पैरेललोग्राम के अंदर ओ पी क्यू सब सेम है, एन, तो मैथमेटिकल पोर्शन एग्जैक्टली सेम, रिजल्टेंट का फॉर्मूला सेम, टैन बीटा का फॉर्मूला भी सेम। चलो टॉपिक ही बच गया, स्टेटमेंट सेम नहीं, स्टेट एंड टू में स्टेटमेंट डिफरेंट है। तो स्टेटमेंट में इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, देन देयर रिजल्टेंट इज कंप्लीटली रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू दैट कॉमन पॉइंट। तो ये स्टेटमेंट ऐसी लिखनी है। हाँ, जब ये दोनों सेम थे तो जरूरत क्या थी, सही पॉइंट है, ये भी सही है। अभी चलते हैं, देखते हैं न्यूमेरिकल करके देखते हैं। देखो पैरेललोग्राम कन्वीनियंट टू यूज है, डायरेक्शन का चक्कर कोई नहीं है, बनाओ पैरेललोग्राम सिमेट्री, यही उन्होंने आंसर आता है। ट्राइंगल में ना गड़बड़ होने का चांस ज्यादा है, चीज सेम है, पर अगर आप ट्राइंगल लॉ लगाना चाहते हो लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादातर बुक्स और मैं और बहुत ऑथर्स पैरेललोग्राम ही लगाते हैं, तुम्हें पता लग जाएगा ऐसा क्यों, कन्वीनियंट टू यूज है। यहां तक पॉइंट क्लियर है, स्टेट एंड प्रूफ में लिख लेंगे। तो स्टेट एंड प्रूफ ट्राइंगल लॉ, स्टेट एंड प्रूफ पैरेललोग्राम लॉ, ये आना ही आना है, और अगर ये ना आया तो स्टेट एंड प्रूफ पॉलीगन लॉ आएगा।